ट्रस्ट एसोसिएशन से हमारे बीच श्री बी के सर इस सभागार में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि वे भी मंच पर कृपया आ जाएं। मैं नारजिंग हिंदी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का प्राचार्य रतन गुप्ता आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे विद्यालय का 85वां फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं सभी हिंदी भाषावासियों, हिंदी प्रेमी और पहाड़वासी जनता को का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शुभकामना देता हूँ कि हम अपने राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए कार्य करते रहें। सबका सहयोग, सबका साथ लेकर हम लोग आज तक आगे बढ़ते रहे हैं। सन 1934 में सरस्वती पूजा के दिन इस विद्यालय की स्थापना हुई थी। तब से हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वर्ष हम लोगों ने निर्णय लिया कि 85वां स्थापना दिवस मनाएं। अब और ये आज सभी के सहयोग से हम आज मना रहे हैं और ये अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद भी देता हूँ। सबने मिल के साथ दिया है और इस विद्यालय को इतना उच्च हायर सेकेंडरी प्राथमिक विद्यालय से लेकर हायर सेकेंडरी के मुकाम तक पहुँचाया है। इस क्षेत्र के बहुत सारे लोग विद्यार्थी हमारे एक्स स्टूडेंट हैं, व्यापार में, ऑफिस में, सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट काम में, हर क्षेत्र में हमारे स्कूल के विद्यार्थी आगे बढ़ रहे हैं और इस दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ इसी प्रकार हम लोग सभी मिलकर इस हमारे प्यारे दार्जिलिंग के भूमि को आगे बढ़ाते रहेंगे, इसके विकास के लिए कार्य करते रहेंगे और सभी के सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे। मुख्य रूप से जो अपने पूर्व विद्यार्थियों को सम्मानित करना है और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। इस तरह से एक बात कहें कि हम अपने विद्यार्थियों को एकत्रित करने की कोशिश किए हैं, 85 वर्षों को समाहित करने का कोशिश किए हैं। हम कहाँ तक सफल हैं ये आप सभी बता सकते हैं। इसमें त्रुटियाँ भी हुई होंगी, बहुत गलतियाँ भी होंगी, बहुत लोग छूट भी गए हैं, क्योंकि 85 वर्ष को एक साथ लाना बहुत ही मुश्किल है, कठिन कार्य था, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है। अगर कोई त्रुटि हुई है मैं सभी से क्षमा भी मांगता हूँ।